अगर मुसलमान का बच्चा सड़क पर निकलकर अपने दुख दर्द और गम का इजहार करता है तो उनको गोलियों से शूट कर दिया जाता है और ये कह कर मारा जाता है कि इसने पत्थर मारा, हम गोली मार रहे हैं, जो रांची में हुआ। और उल्टे 4000 हमारे ही बच्चों पर मुकदमा किया जाता है, जबकि अदारी शरिया ने कहा था कि आप न्यायालय के तहत हाई कोर्ट के अंडर में एक जांच कमेटी बनाइए, देखिए पत्थर पहले कहां से आया, गोली कहां से चली, और किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए आप वाटर कैनाल का इस्तेमाल करते हैं। अभी कागज से भेजकर सुना रहा हूं, सुन लो, अगर कागज की आवाज नहीं सुनोगे तो रांची में चढ़ करके सुनाने के लिए भी उतर आएंगे, तब सुनना पड़ेगा। शिफाए कामरा और अल्लाह फरमा दे, अल्लाह हम में जो परेशान हाल है या हल्दर मुश्किलात बतुम उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, हमें इखलास अखलाक मोहब्बत और खलूस के साथ रहने की तौफीक रफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समी। कालिख लगाते हैं जब नफरत की बात होती है, जब किसी समुदाय को टारगेट किया जाता है, तो पूरी दुनिया में भारत की धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म और फ्रीडम पर सवाल उठता है। हिंदुस्तान में हमारे ही देश में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनकी शान का अपमान करना, उनकी बेइज्जती करना एक पेशा बन गया है। अदालत देख रही है, पुलिस देख रही है, और अगर मुसलमान का बच्चा सड़क पर निकलकर अपने दुख दर्द और गम का इजहार करता है तो उनको गोलियों से शूट कर दिया जाता है, और ये कह कर मारा जाता है कि इसने पत्थर मारा, हम गोली मार रहे हैं, जो रांची में हुआ। और उल्टे 4000 हमारे ही बच्चों पर मुकदमा किया जाता है, जबकि अदारी शरिया ने कहा था कि आप न्यायालय के तहत हाई कोर्ट के अंडर में एक जांच कमेटी बनाइए, देखिए पत्थर पहले कहां से आया, गोली कहां से चली, और किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए आप वाटर कैनाल का इस्तेमाल करते हैं, आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सीधे शूट करेंगे गोली से। जांच कमेटी तो बनी, तो जिसमें जो ऐसे कहां रिपोर्ट आई जी, जांच उनको दिए हैं जिनके गुंडों ने गोलियों से भुना है, जिन पर आरोप लगे थे वो भी उसमें शामिल थे, जो 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 जिस पदाधिकारी के कहने पर हमारे बच्चों को गोलियों से शूट किया गया वो जांच करेगा। सेकुलर कहलाने वाले ये जितनी पार्टी में बैठे हैं विधानसभा में, अब हम अपने बच्चों की लाश नहीं उठाएंगे, सत्ता की अर्थी उठा देंगे, सत्ता की अर्थी। सीधा चैलेंज कर रहे हैं सेक्युलर सरकारों, सेक्युलर गवर्नमेंट अगर है कोई भी किसी राज्य में, और अगर सेक्युलर पार्टियां हैं, तो नामूसे रिसालत पर कानून बनाने का प्रस्ताव विधानसभा लोकसभा में लावें। मॉब लिंचिंग पेशा बन गया, हमारे बच्चों को जिहादी कहा जाता है टोपी दाढ़ी देखकर। हमने किसी साधु संत महात्मा को देखकर कोई अपमान की बात नहीं की, लेकिन हमारी टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी कहा जाता है। क्या कर रहा कानून, क्या कर रहा कानून, क्यों चुप है सेकुलर लोग, सिर्फ वोट लेंगे सेकुलर के नाम पर मुसलमानों का। अल्लाह हम तमाम लोगों को जुमला फातह राजियों समाजी से महफूज मामून फरमा। अल्लाह मसले के आला हजरत और तरीके अहले सुन्नत जमात पर ताहिन हयात कायम दायम फरमा। या खुदा जिसमें जब तक के हम सब